दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सब रीट के बारे में देखेंगे। रीट क्या है, तो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं रीट के बारे में। इसमें हम पढ़ देखेंगे सामान्य परिभाषा रीट की क्या होती है, संवैधानिक महत्व क्या है रीट का। रीट की हिंदी होती है आज्ञा पत्र, और इसे रीट ही कहते हैं अधिकतर। यह प्रचलित है रीट के रूप में ही, लेकिन परिभाषा से समझ में आ जाएगा हमें। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है इसमें, और जितने रीट हैं उनकी सूची देखेंगे। फिर एक एक का हम विवरण देखेंगे, और अंत में हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भूमिका थी उस भूमिका में अंतर भी देखेंगे। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बातें रीट पे है एग्जाम्स में आते हैं वो सारे हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। परिभाषा देखिए, सामान्य सी परिभाषा है एग्जाम के लिए। रीट कोर्ट का एक लिखित आदेश होता है जिसके माध्यम से कोर्ट, ध्यान रखिए जब भी कोर्ट कहा जाएगा चाहे न्यायालय कहा जाएगा, आप दो चीज़ समझेंगे। अभी कोर्ट या न्यायालय का मतलब होगा हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स। ठीक, तो कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का ये लिखित आदेश होता है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संबंधित व्यक्ति को या अधिकारी को आदेश देती है कि उस अधिकारी को क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो किसी अधिकारी को या व्यक्ति को लिखित आदेश होता है रीट, समझ गए रीट। अभी और अच्छा समझेंगे नीचे। इंग्लिश में लिख दिया है, अ रीट इज एन ऑर्डर और कमांड ऑफ अ कोर्ट गिवेन इन राइटिंग अंडर इट्स सील। देखिए संवैधानिक महत्व क्या है, आप जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, आप जानते हैं आप सब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स मुख्य छः हैं। तो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हनन को रोकने, हनन होने पर या हनन से बचाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं एक मौलिक अधिकार के तहत, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीड़ से सुनिए, मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, हनन से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही एक मौलिक अधिकार है, नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके तहत रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें हमारे अधिकार को बचाते हैं। तो फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, बता दिया आपको। और यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, इस बारे में यह इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार हिंदी में, इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को कहा था, कहा है संविधान की आत्मा, फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आप अब समझ रहे हैं रीट किस लिए होता है, क्योंकि हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका हनन न हो, या अगर हनन हो गया हो तो उसे वापसी दिलाया जा सके। और इसके लिए जो वापसी दिलवा सकता है वह है हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिलवा सकती है, हमारे उच्च न्यायालय दिलवा सकते हैं। इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूज करते हैं रीट का। रीट का प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो मौलिक अधिकार को हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट का प्रयोग करते हैं। रीट का प्रयोग कर दिया मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक, अब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी करता है रीट। प्रश्न हो सकता है कि रीट कौन कौन जारी करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है उसकी अथॉरिटी है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय को, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। यह भी प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं कि
21 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 के तहत ही, उसी में कहा गया है कि हमारे अधिकारों को बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी, ठीक। और यहाँ पे उसी में है अनुच्छेद 226 का भी विवरण। आगे है रिटों की सूची है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, फिर बीच में इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा है और अंत में हिंदी लिखा है। अक्सर होता क्या है, एग्जाम्स में हिंदी मीडियम में हिंदी में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश को ही देवनागरी स्क्रिप्ट में, जैसे हेबियस कॉर्पस करके पूछा जाता है कि हेबियस कॉर्पस या मैंडमस जो ये सब रीड्स हैं, ऐसा ही नाम लिख देगा फिर पूछा जाएगा, फिर वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इंग्लिश, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन और फिर उसका, देखिए पहला जो रीट है हेबियस कॉर्पस, इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा मैंडमस है, इसकी हिंदी होती है परमादेश। तीसरा जो रीट है प्रोहिबिजन, मतलब प्रतिषेध। चौथा सर्टी, देखिए पढ़ते कैसे, सर्टी ओररी उत्प्रेषण। और फिर है को वारंटो, अधिकार अपेक्षा। आप इस वीडियो को रोककर अगर आप पहली बार रीट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़रूर अच्छा से देख लीजिए कि कौन कौन से रीट्स हैं। अगर आप जानते हैं तो आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा कि रीट्स 5 ही होते हैं, कौन कौन से हैं। अब मैं समान रूप से बताता हूँ कि जो एक सामान्य भाषा में कि इनका मतलब क्या होता है। पहला जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करो, हम पढ़ेंगे सबके बारे में विस्तार से आगे। फिर दूसरा है परमादेश, मतलब बड़ा सा आदेश देता है, क्या आदेश देगा, कि अपना काम करो, अपने काम करने का सार्वजनिक दायित्व को करने का आदेश देगा, कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ये आदेश देते हैं। फिर प्रतिषेध, मतलब मना कर देना कि भाई आपके दायरे का काम नहीं है, आप उस काम को मत करो, प्रतिषेध कर देगा, रोक देना, इसे भी, ये भी तीसरा रिट है प्रोहिबिजन। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब जब कुछ डिसीजन हो गया, गलत हो गया है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलेंगे कि नहीं, मामला को मेरे पास भेजो, प्रेषित करो, उत्प्रेषण, ठीक। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकारी से पूछा था किस अधिकार से आपने काम किया, तो फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी को सामने करने की बात कही जाती है। परमादेश में कुछ विशेष काम करने को कहा जाता है, प्रतिषेध में कुछ विशेष काम को करने से मना किया जाता है, उत्प्रेषण में अगर गलत काम हो गया है तो उसको अपने पास बुलाकर फिर से डिसीजन दिया जाता है। अधिकार परीक्षा में किसी पदाधिकारी के कार्य पदाधिकारी का से अधिकार को पूछा जा सकता है, इन पांचों रिटों के तहत। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं और जो वैलिड लैंग्वेज है उसमें देखते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, देख रहे हैं पहला, वैसे ही लिखा है मैंने, इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताया मैंने आपको साधारण भाषा में, अगर कोई व्यक्ति नज़रबंद है अवैध रूप से, चाहे गैरकानूनी रूप से, वह कारावास में है, तो ऐसे मामले में हमारा सुप्रीम कोर्ट चाहे हमारे हाई कोर्ट जारी करते हैं रीट को, जब उनको लगता है कि गैरकानूनी या अवैध तरीके से नज़रबंद कर दिया गया है। और क्यों करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करना एक मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का हनन हो जाता है अगर गैर अवैध तरीके से नज़रबंद किया गया है किसी व्यक्ति को, या गैर कानूनी तरीके से कारावास में रखा गया है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करेंगे और उसमें कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित जगह पर हाजिर की जाए, सम्मिलित अधिकारी को आदेश दिया जाएगा हाजिर करने के लिए। यही है हेबियस कॉर्पस, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष कर दो। दूसरा देखते हैं, दूसरा याद हो गया होगा, मैंडमस है, परमादेश बोलते हैं इसको, मतलब बड़ा सा कोई आदेश देता है, क्या आदेश देता है, किसे आदेश दिया जाएगा, पर आप देख लीजिए, रीट के तहत सरकारी पदाधिकारी को चाहे सरकारी संगठन को ही आदेश दिया जाता है। जो भी पांचों रीट देखा ना हमने, जहाँ पे मैंने व्यक्ति लिखा, व्यक्ति भी कोई निजी व्यक्ति नहीं होगा, सरकारी व्यक्ति होगा या पदाधिकारी होगा, डेफिनेटली सरकारी व्यक्ति का मतलब पदाधिकारी ही हो जाएगा। तो
रीट जितने भी होते हैं सरकारी पदाधिकारी या सरकारी संगठन के खिलाफ ही जारी होते हैं। तो परमादेश में क्या होता है, सरकारी संगठन या सरकारी पदाधिकारी को कहा जाता है कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करिए। यह आदेश दिया जाता है रीट के माध्यम से, जिसका नाम है मैंडामस। मैंडामस के माध्यम से सरकारी कर्तव्य के पालन करने का आदेश दिया जाता है। ध्यान रखिए, परमादेश हम राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं दे सकता है कोर्ट, राज्यपाल के खिलाफ नहीं दे सकता है, और न ही किसी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ दे सकता है, जैसे कि पहले बता दिया, तो आप इस बात को याद भी रखेंगे। तो पहला देखिए हेबियस कॉर्पस, इसमें बंदी को आगे करो। दूसरा हो गया परमादेश, आदेश देते हैं कोर्ट्स कि आप सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करिए। तीसरा है प्रोहिबिजन, बताया था मैंने रोक देना। इसमें होता क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि निचली न्यायपालिका, चाहे जो अर्थन्यायिक संस्थान से हैं, जो कानून जो जहाँ पे मामले होते हैं जिनका निपटान करते हैं ये लोग, लगता है कि विशेष कोई मामला विशेष उस निचली न्यायपालिका के क्षेत्र क्षेत्राधिकार से बाहर है, चाहे वो मामला विशेष इस तरह का है जिसका जो किसके अधिकार में आएगा इसका निर्धारण नहीं हुआ है, या जब लगेगा सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि उस पर नैसर्गिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाएगा, तब इस प्रोहिबिजन को जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। समझ गए, तीन स्थितियां हैं। पहले कोई मामला किसी निचली न्यायपालिका के अधिकार से अगर बाहर है तब, चाहे उसका मामला का कोई क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ है तब, अथवा नैसर्गिक न्याय का भय हो तब, इन तीनों में से किसी एक का, तीनों में से कोई एक चाहे दोनों चाहे तीनों भी कंडीशन हो, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट जारी कर देते हैं उस निचली न्यायपालिका को चाहे अर्थन्यायिक संस्थान को, और रोक देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं मामला की आगे सुनवाई करने के लिए। प्रतिषेध हो गया। अब फिर चौथे पे देखते हैं, चौथा है सर्टिओरी उत्प्रेषण। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास भेज दो, ये कब होता है, जब फैसला आ गया होता है, तो फैसला को खारिज करने के लिए इस रीट का प्रयोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब प्रतिषेध जैसा ही, अर्थात जब निचली न्यायपालिका कुछ फैसला ऐसा ले ली है जो कि जो लग रहा है कि सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नज़रों में, तो कोई भी जिनको लगता है जिनके क्षेत्राधिकार में आता है वे रीट जारी कर देते हैं फैसला को खारिज करने के लिए, और कहते हैं कि भाई उस पर पुनर्विचार करना है, और पुनर्विचार उसे कौन करता है, जो रीट जारी करता है वही पुनर्विचार करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैसला आ गया, अब इस फैसला फिर सुनवाई होगी अर्थात इसका पोस्टमार्टम होगा, इसलिए उत्प्रेषण को कहा जाता है पोस्टमार्टम भी। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि किस रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है। फिर लास्ट में को वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा, साधारण भाषा में अधिकार पूछा जाता है, कहा जाता है न्यायालय पूछती है किसी पदाधिकारी से कि भाई आपका पद जो पद है पद की वैधानिकता क्या है। जब तक वैधानिकता नहीं बता देते हैं सरकारी अधिकारी, तब तक वो पदाधिकारी काम नहीं कर सकते हैं जब रीट जारी कर दिया जाता है को वारंटो। तो इस तरह से आपने पांचों का पांचों देख लिया है रीट। फिर से वापस पहुंचते हैं, आपको याद है कि नहीं, देखिए हेबियस कॉर्पस देखा आपने, बंदी प्रतिवेदन बंदी को प्रत्यक्ष करने के लिए होता है। दूसरा मैंडामस, इसमें सार्वजनिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए कोर्ट्स आदेश देती है। प्रोहिबिजन, किसी मामले पर सुनवाई को रोक देती है प्रोविजन से। और सर्टिओरी के तहत मामला को सुनवाई की गई है उसे अपने पास, उसको खारिज कर देती है और अपने पास सुनवाई के लिए वापस ले लेती है। और को वारंटो में पदाधिकारी से पूछा जाता है कि आप जो पद धारण कर रहे हैं किस अधिकार से धारण कर रहे हैं, उसका वैधानिकता क्या है। फिर वापस पहुंचते हैं वहीं पे, को वारंटो हो गया। अब को वारंटो के बाद अगला जो टॉपिक होगा, हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भूमिका, जो हमने देखा था उसमें कुछ अंतर है।
अंतर कैसे है देख लीजिए। जो रीट का अनुच्छेद है इनके लिए 32 हमने पहले देख लिया है और उच्च न्यायालय के लिए 226, बिल्कुल याद रखेंगे। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तब सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करना पड़ता है। कब करती है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी? जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। किंतु उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का हनन पर चाहे कोई वैधानिक अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार के हनन पर भी रीट जारी कर सकती है। दोनों में अंतर हो गया। फिर रीट जारी करना अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट को, अगर हनन हो रहा है तो रीट जारी करना अनिवार्य है, किंतु उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय कोई और वैधानिक मार्ग भी ढूंढ सकती है। एक नीचे लाइन है, इसे याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को, यहाँ उच्च न्यायालय को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो दोस्तों हमने रीट के बारे में देखा, जिसकी हिंदी होती है आज्ञा पत्र, उसकी परिभाषा देखा, संवैधानिक महत्व देख लिया, फिर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भूमिका को हमने देखा, उसकी रीट्स की सूची देखी, एक एक बारे में देखा, और फिर अंत में जो दोनों न्यायालय दोनों तरह के न्यायालय के भूमिका में अंतर था उसे देखा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।